अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेके न्यूज़ पॉइंट में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान शमीम भट्ट। माह मुबारक का मुकद्दस महीना चल रहा है, अरफा का दिन है। अगर हंदवारा की बात करेंगे, सब जिला हंदवारा में जितने भी ATM हैं, अगर जम्मू कश्मीर बैंक की बात करें, ये जम्मू कश्मीर बैंक के जो है मैन ब्रांच का ATM है, यहाँ पे भी बंद है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लोग सवेरे से आ रहे हैं, तकरीबन 8 बजे से लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पे आए हैं, बिल्कुल सिस्टम नहीं। अगर HDFC बैंक की बात करेंगे, वहाँ पे भी ATM नहीं चल रहा है। अगर हम स्टेट बैंक की बात करेंगे, वहाँ पे भी ATM नहीं चल रहा है। ये बहुत लोगों की शिकायत है। कल की बात करेंगे, कल भी मैंने इस पर स्टोरी की है, कल भी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कल 11 बजे से और 3 बजे तक जो है ATM बंद रहा। MPA की बात करेंगे, बीच बीच में चलता है नहीं चलता, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अगर किसी लोगों को खरीद फरोख करनी है तो लोगों को, जिस तरह लोगों का भी कहना है कि सवेरे यहाँ पे आए हैं, तकरीबन 8 बजे से लोग आए हैं यहाँ पे, अभी तक यहाँ पे उनको कैश नहीं मिला। लोग काफ़ी क्या कहेंगे, कितने बजे आप आए सर यहाँ पे? हम 8 बजे आए यहाँ से, अभी ATM बंद है। बोले पहले कैश था, बाद में बोला ATM खराब हो गए, या सभी ATM है ये बोलते ब्लॉक है, वो ये क्या है, ये लोग कैसे डाउन रहे यहाँ सवेरे से? बड़ा महामारी के दिन है ये। जिला में 8 बजे से आया यहाँ से, 8 बजे से यहाँ अभी तक किए चला, बाहर पहुँच गया, बोला एक ATM खराब हो गए, सारी जगह पे गए, ATM खुला के ब्लॉक है, वो ये बोलती बस यही ड्रामा दिखाते हैं यहाँ अंधवारे में। मैं यहाँ से 8 बजे से खड़ा हूँ। अच्छा, 8 बजे बैठ पर आराम मुझे कहीं चीज ना क्या करो, 8 बजे पे रात तक गए वापस, रात तक गए वापस, रात से कैश कहीं दुप कैश मकल यूथ लोन मज बदान ब्रोक तुत वापस, बह क्या करो, बह मा लड़ाई जैन जी। आप देख रहे हैं कि किस तरह की यहाँ पे लोग जो आए हैं ATM पे पैसे निकालने के लिए, यहाँ पे उनको किस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। एक तो लोगों का कहना है कि 8 बजे यहाँ पे आए हैं पैसा निकालने के लिए, उसके बावजूद लोग काफी ज्यादा यहाँ पे परेशान है। कुछ और लोगों के साथ भी बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा नाजी, जिस तरह मैन ATM जो हनवारा के मैन ब्रांच है वहाँ पे खड़ा हूँ, आप मेरा कैमरा मैन आपको विजुअल दिखाएंगे किस तरह के लोग यहाँ पे आए हैं सवेरे से। जी आपका नाम? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ है सर। जी सर, सुबह से आए हम यहाँ पे, ATM जो है नहीं चल रहा है। जैसा भी मतलब ऐसा ईद का कोई ओकेजन होता है, कोई त्यौहार होता है, उस टाइम मतलब 2 दिन से पहले ही बंद रहता है ये चीज़ें, ठीक है। कल MPA की बात की जाए, MPA भी बंद था, आज भी, हाँ कल भी बंद था, उससे पहले एक दिन भी बंद था। आज सुबह से यहाँ पे भीड़ लगी है, हम यहाँ पे वेट कर रहे थे पैसा निकालने के लिए। और दूसरा ATM वहाँ पे है वो भी बंद है सर। यहाँ पे जितने भी ATM है सर सब बंद है, सबके सब बंद पड़े। मतलब जब भी कोई ओकेजन ऐसा आता है, ईद का फेस्टिवल होता है हमारा पूरा, इतना देखो कितने लोग सफर कर रहे हैं सुबह से, कुछ तो पैसों के बगैर बिना रोटी के चले गए वापस घर। जनाजी, जिस तरह आपने सुना कि लोगों की किस तरह की मुश्किलों का सामना करा, कल भी मैंने जो है मैन चौक के जो ATM है वहाँ पे मैंने लोगों से बात की है, सवेरे 8 बजे से लोग आए, आज जो हमारा फेस्टिवल, आज अरफा का दिन है, कल ईद उल फितर है, तो लोगों को खरीद फरोख करनी है, तो लोगों के पास पैसे नहीं, जब ATM बंद है, MPA बंद है, तो लोग काफी ज्यादा परेशान। मेरा कैमरा मैन आपको थोड़ा विजुअल अंदर भी दिखाएंगे किस तरह के लोग अंदर बैठे हैं। यहाँ पे भी लोग अंदर जो है ATM मशीन में, आप देख रहे हैं किस तरह के ATM मशीन जो है बिल्कुल बंद है। سسٹم دہ منٹ لگان وہ اہم سسٹم خراب وہ تم تمو تھی ونان 5 منٹ لگان 10 منٹ لگان تو وہیں یور وتن تم اہس پرابلم گا یہ لاپرواہی اگر پنہ پوس مگر پن پوس پہ وقت پہ ملا ڈائے گھنٹہ ڈائے گھنٹہ برابر سر عظیم بوڑھ دہ اس گھر خطر نمو ٹوٹ سین کی نیون تو تم موجود اس پریشان تو بہرحال کہ نیو ATM جی نا جی جس طرح لوگوں کے ساتھ میں نے بات کی ہے کہ ATM کے اندر میں ہوں یہ ATM مشین جو ہے یہاں پہ بالکل اگر ATM یہاں پہ کھلے ہیں مگر ATM نہیں چل رہے نان فنکشنل ہے لوگ کافی زیادہ پریشان جو ATM کے اندر ہے ان کو تقریباً ڈھائی گھنٹے دن ہو گئے 2-4 لوگ جو ہے یہاں پہ ان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے میرا کیمرہ مین آپ کو تھوڑا باہر بھی دکھائیں گے ویژول کس طرح کی یہاں پہ بھیڑ ہے لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں آج جو ہے ماہ مقدس کا جو ہے ماہ مبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے آج عرفہ کا دن ہے کل عید الفطر ہے تو لوگ جب پیسے لوگوں کے پاس نہیں اگر لوگوں نے اپنے پیسے جو جموں کشمیر بینک جو ہے ATM کی بات کریں گے MPA کی بات کریں کافی زیادہ لوگ پریشان ہیں کیا کہیں گے آج کے موقع پہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں اس گورنمنٹ سے کل سے ہم اتنا ویٹ کر رہے ہیں 2 دن سے ہم ویٹ کر رہے ہیں یہاں پر MPA کا ایشو آ رہا ہے اس بینک کا ایشو آ رہا ہے
मुझे समझ नहीं आ रहा है इस ईद उल फितर पर हमें क्यों ये परेशानी उठानी पड़ती है। जो है हमारा बड़ी त्यौहार, जब भी कोई फेस्टिवल तब ये एटीएम से बंद होते हैं, कैश नहीं होते। पहले अगर एडवाइस दी गई कि एटीएम में कैश होना चाहिए, एमपीए की बात करेंगे कि लोग काफी ज्यादा लोगों को खरीद फरोख कर रहे, कुछ खाने पीने की चीज लानी है मार्केट से, जब उनके पास पैसे ही नहीं है जेब में। जी आप जो बहुत बता रहे हैं बिल्कुल सच बता रहे हैं, इतनी परेशानी उठानी पड़ती है कि जेब में कुछ खर्चा नहीं है, फिर ये आशा होता है कि हम बैंक पर जाके पैसे निकाल कर कुछ ईद मनाएंगे अच्छे से बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, बट जब है ही नहीं कुछ, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी प्रॉब्लम को मतलब कितने एक्सक्यूज बता रहे हैं, ऊपर जाकर बोल रहे नीचे जाओ एटीएम काम कर रहा है, यहाँ आकर यहाँ पैसे ही नहीं है, यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है वहाँ लाइन में, कल से हम वेट कर रहे हैं कुछ पैसे है ही नहीं। हम ये चाहते हैं कि मतलब इसका कुछ जल्दी जल्द करें कि हम भी ईद मनाने। अजय जो लोगों की बात हमने सुनी कि हमारे हर वक्त यही कोशिश रहती है, हम एलजी साहब से और डी साहब से यही मौतबाना अपील करते हैं कि उन मुलाजिमों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सिस्टम पहले जो है एलजी साहब ने एड्रेस दे दिया कि तमाम एटीएम में कैश रहेंगे, अगर यहाँ पे कैश भी है एटीएम खुला है मगर यहाँ पे नॉन फंक्शनल है, एटीएम फंक्शन नहीं कर रहा है कि लोग काफी ज्यादा परेशान है। अगर लोगों को खरीद फरोख्त करने की बच्चों के लिए कुछ कपड़े लाने हैं या कुछ बाजार से कुछ बिस्किट या कुछ लाने हैं, जब लोगों के पास पैसे नहीं है तो लोग काफी ज्यादा परेशान है। मेरा कैमरा मैन थोड़ा इधर दिखाएंगे थोड़ा सा, जी हाँ नाजीन आपने सुना होगा कहीं ना कहीं जेके बैंक की लापरवाही की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज हम इस खबर नशर होने के बाद क्या उन अफसरों के खिलाफ उन जो है एटीएम जो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, जिस तरह जिला जहाँ पे हमारी जो कल आज अरफा का दिन है लोगों की काफी गहमा गहमी है, अगर लोगों को यहाँ से कुछ राशन लानी है या कुछ अपनी बचत के लिए, जब एटीएम ही बंद है यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह मेरा कैमरा में दिखाएंगे किस तरह की यहाँ पे भीड़ लगी है, यहाँ हनवारा का मेन जो है एटीएम है यहाँ पे किस तरह के लोगों को परेशानी है। लोग तकरीबन 3-4 घंटे से लोग आए रहे हैं यहाँ पे उनको पैसे निकाल, जब यहाँ पे पैसे ही नहीं है। हर एक बैंक की बात करें, एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे मैं दूसरा एटीएम पे हम जाना चाहेंगे, यहाँ पे स्टेट बैंक का भी एटीएम है वहाँ पे भी हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह के लोगों को यहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बात करेंगे महंगाई के हवाले से, महंगाई काफी उरूज पे है, अगर हम सब्जी वाले की बात करेंगे या हम बात करें मीट वाले की बात करेंगे तो महंगाई काफी उरूज पे है। आज जिला इंतजामिया को निकलना चाहिए मार्केट में, उनको यहाँ पे चेकिंग करनी चाहिए, और जो ज्यादा से ज्यादा मुनाफाखोरी करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेरा कैमरा मैन थोड़ा यहाँ चलेंगे, यहाँ पे भी दिखाएंगे एक दूसरा एटीएम है वहाँ पे भी। आपको दिखाएंगे स्टेट बैंक का एटीएम है, अगर एटीएम यहाँ पे खुला है मगर यहाँ पे कैश नहीं है और लोग काफी ज्यादा परेशान है। अगर हम स्टेट बैंक की बात करेंगे, अगर हम पंजाब नेशनल बैंक की बात करेंगे, हर जगह पे एटीएम खुला है आपको नजर आएंगे खुला है मगर अंदर से वो नहीं चल रहा है, नॉन फंक्शनल है, लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कैश नहीं है, इतना कैश डाला सिर्फ 10,000 या 20,000 लोगों ने वो निकाला, लोग काफी ज्यादा परेशान है। अगर लोगों को खरीद फरोख करनी है, अगर खाने पीने की चीज के हवाले से बात करेंगे, मीट या गोश्त कुछ लाना है तो जब उनके पास पैसा नहीं है, एमपीए की बात करेंगे तो एमपीए में काफी परेशानी है। इस एटीएम की बात करेंगे, आप देख रहे हैं मेरा कैमरा में आपको थोड़ा क्लोज दिखाएंगे, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है, यहाँ पे भी कैश नहीं है, लोग काफी परेशान है। और एक तरफ बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि एक तरफ जो हमारा फेस्टिवल है ईद उल फितर कल है, आज अरफा का दिन है, तो लोग काफी ज्यादा परेशान है, जिस तरह मैंने कल भी कहा उन मुलाजिमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए जो एटीएम पे आज इस बड़े दिन पे
पैसे नहीं डाल रहे हैं या वहाँ पे एटीएम जो बिल्कुल खराब पड़े या कहीं पे जो है नॉन फंक्शनल है, तो होनी चाहिए क्योंकि आज इस दिन पे भी लोगों को काफी ज्यादा सफर करना पड़ता है। आप देखते रहे जेके न्यूज पॉइंट। जाना जा अगर हम एटीएम की बात करेंगे, एटीएम हंदवाड़ा जो जितने भी एटीएम है वहाँ पे कैश नहीं है, लोग काफी ज्यादा परेशान है। स्टेट बैंक की बात करेंगे, एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे, पंजाब नेशनल बैंक की बात करेंगे, एक तरफ जिला इंतजामिया को भी सोचना चाहिए किस तरह के यहाँ पे हर एटीएम को कैश रखना चाहिए। लोग काफी ज्यादा परेशान है, जिस तरह मैंने लोगों के साथ बात किया उनका भी साफ तौर पर वो 11 बजे से लोग आ रहे हैं, वेट कर रहे हैं एटीएम पे, कतारों में बड़ी बड़ी लाइन लगी है एटीएम की। जो है मैं आपको फिर से एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा, हंदवाड़ा मेन जो है एटीएम है यहाँ पे भी कैश नहीं है। आप देख रहे हैं आगे किस तरह की यहाँ पे लोग किस तरह की परेशानी में ऐसे दो चार है, किसी को खरीदी फरोख करनी है तो बहुत सारे लोगों का भी यही कहना है कि एटीएम की बात करिए, इस एटीएम में भी काफी जो है लाइन लगी है, यहाँ पे भी जो है अंदर से अगर एटीएम खुला है यहाँ पे बिल्कुल जो है लोग वेट कर रहे हैं कब तक एटीएम ठीक हो जाएंगे, अभी तक एटीएम ठीक नहीं हुआ है। थोड़ा मैं और एटीएम्स की बात करूँगा, एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे, एचडीएफसी बैंक में भी कोशिश करनी आपको मैं जो है लाइव दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा एटीएम्स की बात करेंगे क्या इस सकल में। ये जो एटीएम आप देख रहे हैं ये एटीएम जो है एचडीएफसी बैंक के एटीएम है, क्या है सब चलान जा बिल्कुल पंजाब नेशनल की बात करेंगे, पंजाब नेशनल बैंक की मैं आपको भी वहाँ की तस्वीर भी दिखाऊंगा कि वहाँ पे भी कोशिश कर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा क्या वहाँ पे एटीएम चल रहा है या नहीं चल रहा है। लोग काफी ज्यादा परेशान है, जिस तरह इस ईद उल फितर के मौके पे हर चीज को उनको यहाँ पे ठीक रखने की कोशिश। चलान चास चलान चास एटीएम कुछ बैंक रात पे वो लन मे जे के बैंको जे के बैंक तलान कहटल कार्ड हेत गये बहुत पोसन ये मगर नारा नी कहें रात पे वो दरबदार फिलहाल करा जे के बैंक परेशान बैंकस पे ये चलानी ना टोटल नहीं बकवास। या ना जी आपने सुनाएंगे लोगों की बात, लोगों का भी कहना है कि किस तरह लोगों को परेशानी। ये मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, ये पंजाब नेशनल बैंक की तस्वीर है, लोग यहाँ सवेरे से आए हैं, यहाँ पे बिल्कुल कैश नहीं कहीं किसी एटीएम पे। अगर स्टेट बैंक की बात करेंगे, एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर बैंक की खसूस बात करेंगे तो वो कल से बिल्कुल जो है लोग काफी परेशान है, यहाँ पे बिल्कुल कैश नहीं है। लोग अगर उनको किसी को कुछ लाना है, एमपीए की बात करेंगे तो एमपीए में भी काफी जो है परेशानी है। आप देखते रहे जेके न्यूज पॉइंट।